उठा लाऊ और हवेली पे मैं भरना पाहो में हो जाए तबियत हरी भूख मेरे लगी आज भोजन मिले भूख मेरे लगी जाएगा कल और लाके उस लौंडिया को उतारूंगा लाके उस लौंडिया को उतारूंगा नाम सुनकर मेरा दिल गया है मन मेरे ठाकुर जब से तुमने उस राधा का नाम लिया है ना तब से ठाकुर कौशल सिंह के दिल में कुछ होने लगा यानी आपका मतलब है धर्म किसान की लौंडिया राधा आज ही आपकी हवेली पे आना चाहिए तो सुनो मैं बता रहा हूं तो मिले आज की रात तुमको वो गोरी मिले आज की रात तुमको वो गोरी उसी राधा की बात करता हूं बड़े ठाकुर ठाकुर ये दोस्ती में रुपयों की बात कहां से आ गई है दरअसल में लखनऊ में बेटी भी गया था ना जो पैसे थे हमने वहीं पे खर्च कर दिया पैसों की तेरी जरूरत है इसीलिए तो मैंने आपसे बोल रहा हूँ तो मैं भी तुझसे कुछ कहना चाह रहा हूँ क्या कहना चाहते ठाकुर तुझे जितने भी रुपयों की दरकार है ठाकुर कौशल सिंह की हवेली से जाकर उस तिजोरी से ले लेना और वो धर्मा की लंडिया राधा हवेली में आ जाना चाहिए मैं आपसे वादा करता हूं बोले ठाकुर अरे कैसा है पैदा करने वाले की अगर धर्म किसान की लंडिया राधा को उठाकर आज ही हवेली पे ना लाया तो समझो ठाकुर खानदान में सही कहता है सागर सिंह हम ठाकुर हैं और अपनी असलियत को कभी नहीं भूलते इसीलिए हम कहा करते हैं ना क्या जनता हमारी जान है जनता हमारी जान है और हम जनता के नंबरदार ने सही बोला
ऐसा ले थप चाहा थप साला सूद गवार कहा था। एक किसको उठाई गई बोला है? क्यों बोला तुमने उठाई गई? जब मैं उससे बात कर रहा हूं तो तुझे बोलने की क्या जरूरत? उठा हमरा हंटर, हंटर उठा ले। तेरी जरूरत कैसे हुई हमारे सामने उससे सूद बोलने की? खड़े रो बे उधर साले घुच्चा। ज्यादा एडवांस बोलेगा ना तो साले सुबह तक तेरी लंबाई बढ़ा देंगे। नघाने हुआ भैया ले ले हम खड़े हैं, अघा जाए तो बताए। ऐसी जगह खड़ा करूंगा बेटवा, फिर तुम जिंदगी भर खड़ा रहेगा। तो हम तो खड़े पड़े हैं, संध्या से खड़े हैं। तो हम तुझे आज डाउन कर देते हैं। यही तो क्या करेगा, क्या करेगा साले धन। अगर रस्सी आगे नांगा तो सोच ले साले, जहां से आया है साले वही वापस करूंगा तुझे। इधर आ जा रे। गोली में गोली लड़ाएगा, देख तेरी बंदूक में कितनी गोली है। इधर आ जा बेटवा, नहीं बहुत हरामी ठाकुर है। नहीं हम चलाए पहले, इधर आओ। साले ऐसी मार मारूंगा ना मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में भर्ती होगी। बीच का कौन मनाइया, ये बीच का कौन मनाइया ना मर्दों में और ना इसी में। तो मतलब वो डेढ़ समान वाला भर्तों को उठा ले। कहा है देखो ससुर सूत बंदूक को साला का बोलत बड़े भैया, तो बड़े भैया
छोटे मीरा सुहानल पैसा ले छक्का साले उतारेगा जूता तो साले चौवन नहीं पंजा बना देंगे। नहीं बाबू ठंडी आ गए अब जूता ना उतारे नहीं पैर चढ़ा चाहिए बाबू। कहां पड़े हमरे कहां पड़े हम देखा है कहां पड़े है बोल ईसान जूता पड़े तब वो टाइट है कहां पड़े अरे कहां देखा तूने हमरे पड़े आपके जूता सा अरे तो साले हवेली पर पड़े हैं कि हमरे पड़े हाय का बताओ लंबरदार अब बिल्कुल ना बोले बिल्कुल अब आपन सांस ना ली है सांस ना ली है कि सांस बोलत आओ तैयारी करो बड़े ठाकुर ने कहा है धर्म की सार की लौड़िया राधा आज ही हवेली पे आना चाहिए। तुम लोग जाकर पता लगाओ राधा मुझे कहां मिलेगी तुरंत पता लगाओ और हम हवेली पे चलकर तुम लोगों का इंतजार करता हूं। समय 5 मिनट का कितना ओनली 1 5 मिनट अगर 5 मिनट से ज्यादा लगाया तो कसम है पैदा करने वाले की तुम दोनों को साले चीर कर लड़ेगा ताल बना दे लाओ। अरे इसीलिए तो हमारा तकिया कलाम है कोई का खटिया उतान है हम बोला था हमरा तकिया कलाम तो ससुर बोला था खटिया उतार मालिक उल्टा उसने बोला हमने नहीं बोला आपको आओ तैयारी करो अरे हमरा तकिया कलाम है कि जनता सासी रहेगी तो रंग मारूंगा जरूर मारेंगे अरे जनता सासी रहेगी तो रंग मारूंगा और हमरे खिलाफ आवाज उठाई तो देखी थे कहा कर तू उठाई उनका
गंगा मेहरा रुखाए गंगा मैया खसरे हाँ गंगा महारानी ना खाए उनका बेटा का ए उतारे जूता कौन वाले आही नाइन नंबर नाइन सिक्स उतारे बेटा हाँ चप्पल चप्पल और चप्पल बीसों चप्पल हाँ बेटा के मुहे किसको जूता उठा रहा था किसे जूता बाबू आपका ना ये छोटू का इनके हम सवाल पूछा ही सवाल का जवाब ना दिन भाई बड़े जूता ताली ना रहा तो ले उससे सवाल पूछा हाँ भाई उसने सवाल का जवाब नहीं दे पाया नहीं दे पाए और यहाँ का गरिया दी ए लवड़े रेजर बंद कर ले नहीं तो रेजर सहित तो का तोरे घर वापस कर इसीलिए तूने उसे जूता उठा लिया हाँ भाई अगर हमने सवाल का जवाब ना दिया तो सोच ले हमरा नाम ठाकुर सागर सिंह नहीं है रे बोल कौन सा सवाल है रे सवाल ये है कि अभी जो करवा चौथ था करवा चौथ जो औरतों को आता है तो अब की हम कहें सोचें कि अब की करवा का त्योहार अपने मौसी खिया मनाई जाए भाई क्या है करवा तो हूँ पर कर रहा था करी नहीं मैं खंडित रहा था तो हुआ बा मार भी जाऊँ मुंह बगारा बना थी ना बाबू हरा कहा था मुबगरा नहीं था साले मुफैला बना था भरा हमका बहुत नीक लागा था तो हम कहें हुआ बनिए तो खा भाई हाँ। फिर वही की बात माँ हवाई में उसी चली गई बाजार है हाँ। फिर क्या हुआ सामान ला भाई हाँ। और हमें मौसी के हस्बैंड पहुड़े रहे हस्बैंड हाँ भाई ककहरा से लाठी चली हस्बैंड जानत आई एम बारा कच्चा पासन तेरे मौसी का पति वहां पे था हाँ भाई हमारे पौती मौसी के पति थोड़ा सीरियस तबीयत गड़बड़ रही है पूछो हाँ। रहा हुए अच्छा बाबू हमका 10 रुपया का अचानक जरूरत पड़ गए तो 10 रुपया जरूरत पड़ गए तो हम सोचें कि हम अपे मौसी के पति का कह के 10 रुपया मांग ले तो हमका खर्चा से मिल जाए बस यही बात का लड़ाई है बेटा इतना छोटा सा सवाल के लिए तुम दोनों वापस में लड़ते हो बहुत बड़ा सवाल है जवाब को अरे जब तेरी मौसी नहीं है और उसका पति मौके पर मौजूद है तो कह देना चाहिए मौसिया मुझे 10 रुपए दे दो अरे मौसिया मुझे 10 रुपए दे दो साला खोदने को पहाड़ निकलने को चुहिया इधर आ जा इधर आ नहीं तो साले हम मुंह में हाथ डालकर तेरी जुबान फाड़ देंगे बाबू मारो ना
कुछ है, तेल देश से कुछ है। 35 पड़ती हमें, 35 35 नहीं तो साले 50 पड़ती। हम तू दोनों का इंतजार अपने बैठक रूम में करना, और तुम साले यहां सवाल का जवाब कर रहे हैं। आओ तैयारी करो, पता लगाओ राधा को जी। लेकिन राधा आज ही हवेली पे आना चाहिए। अरे इसलिए तो हमने कहा है ना कि जनता शांति रहेगी तो रंग मारूंगा। अरे जनता शांति रहेगी तो रंग मारूंगा, और हमने खिलाफ आवाज उठाई तो हेलो हेलो, ये आ गए हमारे सर्व सम्मानित बड़े भैया बबलू डीपीएस मैनेजर। उन भाई साहब की तरफ से एक सूचना कि आने वाले 29 तारीख को बल्लू के प्रवाह का मेला है, और सभी दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि बल्लू के प्रवाह के मेले में जाके मेले की शोभा बढ़ाए। कंपनी हमारे परम मित्र कमलेश यादव ग्राम बेहटा खुर्द की आप लोगों के समक्ष रात में मनोरंजन हेतु होगी। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, या गए हमारे सर सम्मानित जनसेवा केंद्र पूरे माखा, उन बाबूजी की तरफ से हमारे मेला कमेटी के लिए 200 रुपए चंदा। और उनका कहना है, उनका कहना है जिन भाई को आधार कार्ड लिंक करवाना है, संशोधन करवाना है, जिन भाई को आधार कार्ड संशोधन करवाना है तो हमारे भाई साहब से संपर्क करें। हाँ, जो हमारे भाई साहब रंजीत भाई साहब हैं उनके माध्यम से आप सभी लोगों का आधार कार्ड संशोधन हो सकता है। जो अनाउंसमेंट 50 रुपए का पुरस्कार भी दिए हैं हमारी पार्टी के, शुक्रिया और धन्यवाद। शायद आप लोग नहीं जानते कि हमारा नाम धर्म किसान है। हमारे पास 4 आदमियों का परिवार है, एक हमारी बेटी राधा और दूसरा हमारा बेटा विशाल और तीसरा हमारा बेटा राकेश और चौथा मैं। बहुत गरीबी अवस्था है, इस गरीबी अवस्था से इस परिवार को पालना बड़ी मुश्किल की बात है। न जाने हमारा एक ही बेटा है जो कि काम करने में रहता है, उसी के काम से इस परिवार का पूरा खर्च चलता है। हमारा बेटा पढ़ने जाता है और जो कुछ पैसा इस परिवार के खर्च से बचता है वो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए मुझे करना ही पड़ता है। आज हम अपने बच्चों का इंतजार करेंगे, हमारे बच्चे मालूम नहीं
अभी कहाँ है, हम उनका इंतजार करते हैं। बापू आपकी तबीयत ठीक है ना? तबीयत कहाँ ठीक है बेबू, तबीयत तो दिन का दिन बिगड़ती चली जा रही है। क्या बताऊं? तुम जानते हो जब से तुम्हारी माँ का देहांत हुआ है तब से ये शरीर कभी अच्छी नहीं रहती है। ए बाबू, ये तो मैं सोच रही हूँ कि आज मेरी माँ होती तेरा था क्या आंखों से आंसू बहते नहीं बाबू। हाँ बेटी राधा, इसलिए रातों दिन मुझे चिंताएं खा जा रही है। एक दो दिन में दिन तू सयानी होती चली जा रही है। मैं सोचता हूँ कि अपनी बेटी के हाथ पीले करके उसे टोली में बिठा कर अगर उसकी ससुराल भेज दे तो हमारे दिल को शांति मिल जाएगी। नहीं बाबू, हमारे दो भाई ये क्या करेंगे, मैं तो ससुराल चली जाऊंगी, मेरे भाई क्या करेंगे, सब लोग मर जाएंगे। बेटी इसकी चिंता मत करो, तुम अपने आंखों से आंसू की धारा बहाती रहोगी तो मेरा कलेजा और फट जाएगा, मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। मेरी पुत्री, मेरी गुड़िया, जब तुम रोने लगती हो तो हमारा कलेजा फट जाता है। तेरी माँ की याद मुझे ए बापू। कहो बेटी। देखिए आ बैठो, भैया की इंतजार करते हैं। हाँ बेटी, मालूम नहीं तुम्हारे बड़े भाई छोटे भाई मालूम नहीं कहाँ है, हम उनका इंतजार ही करते रहते हैं। आओ बेटी बैठ कर उनका इंतजार करते हैं। पिताजी, ए बहना, क्या बात है? आज आप लोग इतने खामोश क्यों बैठे हुए? नहीं भैया कुछ नहीं, कोई बात नहीं। ये बता पहले, ये आंख में आंसू तेरे किस लिए? क्या किसी ने तुझे कुछ कहा है? नहीं भैया, मुझे कोई नहीं कहा है। तो फिर क्यों रो रही है? ये आंसू आज माँ की याद आने लगी। ओ माँ की याद आ गई। हाँ पगली, माँ को याद करके अब रोने से माँ तो आ नहीं जाएगी। हाँ भैया। ए पिताजी, क्या बात है? ये तो जानते ही पिताजी कि मैं एक अकेला ही ऐसा इस घर का शख्स हूँ जो अकेला ही कमा करके इस अपने पूरे परिवार को चला रहा है। एक बात कहना चाहता हूँ पिताजी। क्या बात कहना चाहते हैं? और मैं बेटा तुम्हारा कमा कर खिलाऊं, बेटा तू